दोस्तों, अगर आपके पास OnePlus Nord स्मार्टफोन है और अगर आप अपनी लो लाइट फोटोग्राफी को चार चांद लगाना चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपके OnePlus Nord में जी कैम का फुल सपोर्ट दे रखा है। और एक खुशखबरी की न्यूज़ और आ चुकी है कि जी कैम का लेटेस्ट मॉड हमारे OnePlus Nord पे इंस्टॉल होने के लिए बखूबी तैयार किया जा चुका है और अब डाउनलोड के लिए अवेलेबल भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट दोनों के कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, स्टॉक और जी कैम दोनों ही ऐप्स के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, कौन सी फ़ोटोज़ किस सिनेरियोज़ में ज़्यादा बेटर क्लिक कर रहा है स्टॉक कैमरा है और कौन सी इमेजेस ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही है हमें जी कैम ऐप में। तो दोस्तों, मैं रजत रजटिक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और स्पीड से आपकी पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, मैं आपको अपनी आईपैड स्क्रीन की तरफ लेके चलूँगा और वहीं आपको बिना फिल्टर करे हुए सारी इमेजेस दिखाऊंगा जो मैंने शूट करी हैं अपने OnePlus Nord स्मार्टफोन के स्टॉक कैमरा ऐप से, साथ ही साथ लेटेस्ट जी कैम मॉड से। दोस्तों, फटाफट से चलते हैं हम अपनी आईपैड स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मेरे जो 40 प्लस सैंपल्स मैंने क्लिक करे हैं उसमें से आपको कौन सी फ़ोटोज़ ज़्यादा बेहतर लगती हैं। और वेट करिएगा मेरे ओपिनियंस का, क्योंकि मैंने इन इमेजेस को क्लिक करते समय एक जनरल पैटर्न देखा है दोनों ही इमेजेस में और कुछ इमेजेस काफ़ी शॉकिंग भी हैं। सो बिना देरी करे फटाफट से आईपैड स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइड बाय साइड इमेजेस ना देखते हुए वन बाय वन देखेंगे इमेजेस को और डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों ही इमेजेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्टॉक कैमरा की इमेज। दोस्तों, ये मैंने कम्प्लीटली आर्टिफिशियल लाइटिंग में कैप्चर करी इमेज और आप देख सकते हैं सिंगल आपको देखने में इमेज अच्छी लगेगी, पर जैसे ही आप जूम इन करते हैं तो आप पाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर है स्किन पर और इमेज जो है थोड़ी ज़्यादा ब्राइटर है इन कंपैरिजन टू जैसा ये शॉट था। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर लुक पसंद है तो डेफिनेटली ये फ़ोटो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अब चलते हैं जी कैम की तरफ। तो दोस्तों, ये सेम में जी कैम की है, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों को इमेज पसंद नहीं आएगी क्योंकि चेहरा थोड़ा ज़्यादा डार्कर कर दिया है, जैसा था उससे भी ज़्यादा डार्क कर दिया है जी कैम ने ओरिजिनल बनाने के चक्कर में। बट वहीं अगर आप ये सोफ़े के कवर की तरफ देखें तो इसमें जो ये धारियां हैं ये बिल्कुल ब्लोन आउट सी हो गई थी इस OnePlus के शॉट में, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से कैप्चर करी गई हैं इस शॉट में। तो ऑब्जेक्ट के मामले में काफ़ी अच्छा काम करा है जी कैम ने और कलर्स भी बात करूँ तो स्किन टोन अच्छी है, बट डेफिनेटली फेस ज़्यादा डार्क कर दिया है जी कैम ने। अब दोस्तों, चलते हैं, सेम शॉट है, इसमें मैंने एक लाइट और क्लोज कर दी जो पीछे आपको दिख रही थी, इसमें ये पीछे जल रही है वाली लाइट भी मैंने क्लोज कर दी है। सो अब देखते हैं अब इमेज में क्या फ़र्क आता है। ये आती है पहली इमेज स्टॉक कैमरा से। अब दोस्तों, ये जो स्टॉक कैमरा की ऐप है देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, ब्राइट है, मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा ब्राइट कर दी है, इमेज काफ़ी डार्क था इससे इसके मुकाबले जैसा सीन दिख रहा है हमें, बट ऑल इन ऑल अच्छा लग रहा है सीन। अगेन आप देख सकते हैं सोफ़ा कवर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा कर दिया है इमेज, पीछे पर्दा हो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लें काफ़ी सॉफ्ट सा है, इंक्लूडिंग ये पिलो भी, और हाथ की तरफ भी आप मैं देखो जूम इन करके दिखाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बट ऑन द होल अगर आप जूम नहीं करते तो इमेज अच्छी है स्टॉक से। अब चलते हैं सेम इमेज देखते हैं हम अपने जी कैम से। अब दोस्तों, यहाँ पर जी कैम का कमाल देखिए, सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट में इन कंपेरिजन टू स्टॉक कैमरा है काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं दोस्तों, पिलो भी थोड़ा सा हल्का ब्लर्ड में कहूँगा बट डिटेल्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छी हैं, और फेस की स्किन टोन्स की बात करूँ तो उतना सॉफ्ट नहीं है फेस जैसा एक इमेज को पोर्ट्रे करना चाहिए एक्चुअल सीन में, बिल्कुल वैसा ही इस बार कैप्चर करा है जी कैम ने और स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छी हैं इन कंपेरिजन टू स्टॉक कैमरा है। डिटेल्स और कलर के मामले में मैं थम्स अप करूँगा इस इमेज को। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात आर्टिफिशियल लाइट में। अब दोस्तों, सेम इमेज देखते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स की सेल्फी कैमरा से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्ड के स्टॉक कैमरा ऐप से, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदन अप कर दी गई है जैसे मैं पार्लर से कोई ट्रीटमेंट करवा के आ रखा हूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फेस मेरा। अब ये सेम इमेज हम जी कैम से देखते हैं, तो दोस्तों जी कैम की इमेज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स प्रिजर्व करी है इस इमेज में, स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है इमेज में, स्किन का टेक्सचर हो, ओरिजिनैलिटी की बात हो, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर कैप्चर करी है जी कैम ने। तो डेफिनेटली ओरिजिनैलिटी के मामले में आप जी कैम को
आँख बंद करके पे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई सेल्फीज़ की बात इंडोर लाइटिंग में, तो आप देख सकते हैं अभी तक GKM ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब एक और मैं आपको सैम्पल शॉट दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं लाइट से और दूर आ चुका हूँ और लाइट सोर्स अच्छा खासा दूर है मेरे इस सैम्पल शॉट से। और आप देख सकते हैं इस मामले में ये शॉर्ट ऑन वनप्लस दिखा, शॉर्ट ऑन वनप्लस लिखा, यानी कि नॉट से मैंने कैप्चर करी है इमेज। और अगेन आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लर्डनेस है और थोड़ी इमेज ज़्यादा सॉफ्ट है मेरी लाइकिंग के हिसाब से। तो दोस्तों इस इमेज को तो मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा। अब चलते हैं GKM की तरफ। आप देख सकते हैं GKM का ये इमेज है थोड़ा ब्राइटिंग अप कम करा है इन कंपैरिजन टू ये नॉट की स्टॉक कैमरा की इमेज से, बट ओरिजिनलिटी की बात करूँ तो ओरिजिनलिटी मामले में काफ़ी बेहतर क्लिक करी है, इवन फोकस भी काफ़ी अच्छा किया है, सो ब्लर्ड भी नहीं है इमेज। डिटेल्स की बात करूँ तो डिटेल्स 19:20 में 20 डेफिनेटली है GKM की ये इमेज। तो दोस्तों GKM की इमेज अभी तक काफ़ी अच्छी निकल कर आती है जितना भी हमने स्टडी करा है इमेजेस में अपनी। तो दोस्तों ये पहली इमेज मैंने क्लिक करी है ऑब्जेक्ट की OnePlus Nord के स्टॉक कैमरा ऐप से, और आप देख सकते हैं ये इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी शार्पनेस इसमें नहीं आप कह सकते हैं, और हद से ज़्यादा सॉफ्ट है। और सेम इमेज अगर मैं बात करूँ GKM से तो स्टॉक कैमरा के मुकाबले शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा है, बट अगेन दोनों ही इमेजेस जो हैं ब्लर्ड है। मैं बताना चाहूँगा दोनों जो ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज क्लिक करी है पिच डार्क कंडीशन में क्लिक करी थी, इसी की वजह से मैंने ये चीज़ पाई है नॉर्ड के कैमरा में कि आपको अपना हाथ बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा लाइट कम होगी उतना ही हाथ आपको स्टेबल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी फ्लिकरिंग होने की वजह से आपकी इमेज में ब्लर्डनेस आना कन्फर्म है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगेन मैंने क्लिक करा है स्टॉक कैमरा ऐप से, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप इमेज है ये, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। ब्राइट करने के चक्कर में जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो चुके हैं। अब एक्चुअल कलर्स देखते हैं हम GKM में। तो दोस्तों ये GKM ने बिल्कुल एक्चुअल कलर जैसा सीन था वैसा पोर्ट्रे करा है, आप शेडोज़ भी देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से निकल कर आई है इस इमेज में, और साथ ही साथ ये पर्दे का आप शार्पनेस के साथ साथ जो कलर रिप्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल है और वेल डिटेल पिक्चर है। तो डेफिनेटली अगेन मैं GKM को बेहतर मार्क्स दूंगा ऑब्जेक्ट क्लिकिंग में। अब दोस्तों अगेन मैं आपको लेके चलूँगा पिच डार्क कंडीशंस में, और ये मेरे घर का आउटडोर है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल डार्क कंडीशंस थी, कोई लाइट सोर्स नहीं था, और मैंने OnePlus के स्टॉक कैमरा ऐप से ये इमेज क्लिक करी है, उस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है दोस्तों, क्योंकि जीरो लाइट होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स प्रिजर्व करी गई हैं और इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है, ब्राइटन अप भी है, बट जैसे आप कॉर्नर्स में देखेंगे आप पाएंगे कि जो इमेज है वो सॉफ्ट होती चली जा रही है, बट डेफिनेटली इमेज काफ़ी ज़्यादा यूजबल है और अच्छी है जब तक आप GKM के रिजल्ट को नहीं देखते। आप चलते हैं GKM के रिजल्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक शॉट में देखने में डेफिनेटली जो शॉट OnePlus में लिया गया है वो अच्छा लगेगा, बट मैं बताना चाहूँगा जो मेरी लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल कैप्चर करी गई हैं GKM मॉड से, और GKM ने जो ये पत्तियों के कलर हैं और इवन कॉर्नर डिटेल्स की बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर कैप्चर करी है इन कंपैरिजन टू स्टॉक कैमरा ऐप। बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि GKM बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आता है और स्टॉक कैमरा बहुत बुरा है, मगर अगर आप ओरिजिनल पिक्चर्स ओरिजिनल कलर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको GKM का इमेज ज़्यादा बेटर लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं कुछ और आउटडोर सैंपल्स की तरफ। ये शॉट अगेन मैंने OnePlus Nord के स्टॉक कैमरा ऐप से क्लिक करा है, और इस शॉट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लाइट की जो फ्लेयरिंग है वो कौन सा ऐप जो है वो ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो ये लैम्प पोस्ट है इसके जो धारियाँ जो स्ट्राइप्स हैं वो कितनी अच्छी तरह से प्रिजर्व करी हैं स्टॉक कैमरा ने, और ऊपर की जो ग्लेयरिंग है ये मेरे लैम्प पोस्ट की वो भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करी गई है। अब देखते हैं GKM के रिज़ल्ट को दोस्तों। अब आप देख सकते हैं जो GKM का रिज़ल्ट है इसमें फ्लेयरिंग जो है वो कंट्रोल तो करी गई है, बट कंट्रोल करने के चक्कर में जो स्ट्राइप्स हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स काफ़ी हद तक छुप चुकी हैं जिस वजह से लैम्प पोस्ट का जो आउटलाइन उतना अच्छी तरह से निकल कर नहीं आता जितना स्टॉक कैमरा ने बैलेंस करा था इस इमेज में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श लाइट में फ़ोटोज़
क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक कैमरा ऐप को पिक करें, वो ज़्यादा बेटर इमेज रिजल्ट्स देगी आपको। अब दोस्तों ये एक और आउटडोर कंडीशन है, यहाँ पर ये मैंने जो पहली इमेज क्लिक करी है आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्टॉक कैमरा ऐप से क्लिक नहीं करके जी कैम से क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये एक स्टिकर है लैम्प पोस्ट का, आप देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा डार्क है, थोड़ा फेड आउट कर दिया है जी कैम ने ओरिजिनलिटी दिखाने के चक्कर में, मगर इस इमेज में एक फ़ायदा ये निकल कर आता है, जो इमेज रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, जैसा लाइटिंग कंडीशन थी वैसा ही जी कैम ने, हाँ थोड़ा 20% आप कह सकते हो ब्राइट करा है, मगर ऐसा नहीं कि नॉट की स्टॉक कैमरा ऐप की तरह 70-80% तक ब्राइट करके इमेज को बिल्कुल ही अलग बना देता है। सो नेचुरलिटी के मामले में जी कैम ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट कैप्चर करा है, मगर ये लैम्प पोस्ट जो है डार्क ज़्यादा है ऐसा नहीं है। सो डिटेल्स के मामले में बेटर, आप देख सकते हैं पत्तियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल डिटेल्ड हैं, जैसी दिख रही थी वैसी ही हैं। अब चलते हैं स्टॉक कैमरा की तरफ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक कैमरा में यहाँ काफ़ी अच्छा काम करा है, जो आप लैम्प पोस्ट अब देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, ये डार्क है। और आप जानते होंगे अगर आप वन प्लस नॉट यूज़ कर रहे हैं तो वन प्लस नॉट के एल्गोरिथम जो है वो ब्लैक कलर्स को ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी करती है, जिस वजह से ये लैम्प पोस्ट को इस एल्गोरिथम से फ़ायदा मिला है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। बट वहीं अगर मैं डिटेल्स देखना चाहूँ लीव्स की, तो लीव्स यहाँ पर थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, और जी कैम की इमेज जो थी वो ज़्यादा ब्राइटर तो नहीं कहूँगा बट डिटेल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही कुछ फ़र्क है, ब्राइटन अप ज़्यादा कर रहा है हमारा नॉट का स्टॉक कैमरा इन कंपेरिजन टू जी कैम मॉड। बट आपको कुछ सिनेरियोज में इसका ओवर कॉन्ट्रास्टी लुक, जैसे ये सिनेरियो है, काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल कर आता है इन कंपेरिजन टू जी कैम। अब दोस्तों अगेन मैंने लाइट फ्लेयरिंग ज़्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए कि कौन कितना अच्छा बैलेंस कर पा रहा है एक और शॉट लिया था, और दोस्तों ये थोड़ा सा बुके टाइप का शॉट भी नेचुरली लिया गया है स्टॉक कैमरा ऐप से, जिस वजह से ये इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और अच्छी निकल कर आती है। फ्लेयरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करी गई है, सो डेफिनेटली ये इमेज अभी देखने में काफ़ी बेहतर लग रही है। अब चलते हैं जी कैम की तरफ कि जी कैम इमेज कितनी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। दोस्तों जी कैम की इमेज है, आप देख सकते हैं लाइट फ्लेयरिंग जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करी गई है, बट जो नेचुरल एक बुके निकल कर आ रहा है वन प्लस की स्टॉक कैमरा ऐप में, उस वजह से आपको 19-20 में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा, और आप में से कुछ लोग नॉर्ड की स्टॉक कैमरा ऐप की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं इस इमेज में। तो दोस्तों इसको फेयर रहने देते हैं और इसको एक टाई मानते हैं दोनों इमेजेस में, हालांकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है वन प्लस नॉर्ड की स्टॉक इमेज। अब चलते हैं दोस्तों एक और पिच डार्क कंडीशन में, ये एक और पौधे की मैंने इमेज ली थी बिल्कुल ही कंप्लीट डार्क कंडीशंस में। और दोस्तों ये स्टॉक कैमरा ऐप से इमेज ली गई है, अगर आप फर्स्ट सिनेरियो में देखें जी कैम के शॉट को ना देखें तो काफ़ी अच्छी इमेज निकल कर आती है, काफ़ी यूजेबल है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पॉइंट पर कोई लाइट सोर्स नहीं था और बिल्कुल ही ज़्यादा डार्क थी इमेज, इवन मुझे अपनी आँखों से भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी जो ये ब्राइटन अप करके इमेज आपको दिख रही है नॉट से। अब चलते हैं जी कैम की तरफ, तो दोस्तों जी कैम में ये इमेज मैं बताना चाहूँगा, इसकी जी कैम की एल्गोरिथम मैंने देखा है जितना ज़्यादा डार्क होती जाती कंडीशंस ये उस चीज़ को ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है नेचुरली, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा येलोइश इमेज दिखने लगेगी जैसे जैसे इमेज जो है डार्कर कंडीशन में आप शूट करोगे या कैप्चर करोगे। इस कंडीशन में भी ऐसा ही हुआ है, थोड़ा सा मेरा हाथ भी हिल गया था इस चक्कर में, ये शायद थोड़ी ब्लरी भी हो गई है, बट डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अगर आप सीन को देखो तो ओरिजिनलिटी के मामले में जी कैम ने बेटर काम करा है इन कंपैरिजन टू स्टॉक कैमरा ऐप अगेन। दोस्तों ये अगला शॉट है, ये मैंने एक्टिवा का एक शॉट लिया था, ये भी आउटडोर कंडीशंस में लिया है, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स थी यहाँ पर, और ये जो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है जी कैम की इमेज है, और इस केस में आप देख सकते हो एक्टिवा लिखा हो, टायर के ट्रेड्स हो, कोई भी चीज़ हो, जूम करने के बाद आर्टिफिशियल सॉफ्टनिंग देखने को नहीं मिल रही है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और मैं पत्तियाँ भी देखना चाहूँ तो हर पत्ती काफ़ी वेल डिफाइंड है और जैसा शॉट था वैसा ही देखने को मिला, इवन जो मेरा ये पिलर का कलर है ये भी एक्चुअल पोर्ट्रे करा है जी कैम के शॉट ने। अब चलते हैं एक पास स्टॉक कैमरा की तरफ, तो दोस्तों स्टॉक कैमरा ऐप में आते ही आपको सबसे पहली चीज़ देखने को मिली कि इमेज जो है थोड़ी ज़्यादा ब्राइटन अप हो गई है, जिस वजह से फर्स्ट ग्लैंस में इमेज काफ़ी अच्छी लगती है। बट दोस्तों अब जूम करते हैं देखते हैं क्या होता है, जूम करने पर
जो इमेज एल्गोरिथम है वन प्लस नॉट के स्टॉक कैमरा ऐप की, उसने क्या करा है, सॉफ्टनिंग ज़्यादा कर दी है। अदरवाइज एक ब्राइट इमेज, डिसेंट इमेज ऑफर कर देता है स्टॉक कैमरा, हालांकि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं जो लीव्स है उसमें डार्क रेशियो ज़्यादा बढ़ गया है, डार्कर लग रही है लीव्स, इतनी डार्क नहीं, आपने अभी जीकेएम का शॉट देखा था, और जो पिलर का कलर है वो भी चेंज हो गया है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्ड का जीकेएम मॉड है और स्टॉक कैमरा है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, हालांकि मैं अभी स्टॉक कैमरा को उतना पीछे नहीं कहूँगा, बट जीकेएम डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स ऑफर कर रहा है दोस्तों। अगेन दोस्तों, ये पिच डार्क कंडीशंस में इंडोर में मैंने ली है इमेज, और ये वाली इमेज नॉट के स्टॉक कैमरा से मैंने क्लिक करी है। इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लाइट थी यहाँ पर, कुछ भी नहीं दिख रहा था, उस केस के हिसाब से ये इमेज काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। बट आप देख सकते हैं जैसे जैसे जूम करेंगे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अनयूजेबल इमेज बनती चली जाएगी, जो कि नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि आप देखते हैं क्या जीकेएम ने कुछ इम्प्रूवमेंट करा है इस चीज़ में, या इमेज इसी प्रकार की है। दोस्तों अगेन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तो स्टॉक कैमरा ऐप ने ज़्यादा बढ़िया काम करा है, इमेज थोड़ी ज़्यादा येलोइश सी भी हो गई है, डिटेल्स भी यहाँ पर लैकिंग है, तो फाइनली एक इमेज मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 19-20 या 19-21 में 21 में देना चाहूँगा वन प्लस नॉट के शॉट को। तो दोस्तों एक फाइनल मैं आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाना चाहूँगा। मैंने अपने आईपैड की एक इमेज क्लिक करी थी, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइट में क्लिक करी थी, मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी अपने रूम की, कि देखने के लिए कितना ज़्यादा ब्राइटन अप करते हैं दोनों ही ऐप्स। दोस्तों ये स्टॉक कैमरा से क्लिक करी हुई इमेज है, और थोड़ी ब्लरी के साथ साथ इमेज में डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है, और इमेज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। हालांकि पिच डार्क कंडीशन होने की वजह से मैं कुछ खास कमियां नहीं निकालूंगा इसमें, अब देखते हैं जीकेएम क्या कर पाता है इसमें, क्या कुछ चमत्कार होता है या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये जीकेएम की इमेज है, आप देख सकते हैं जो स्टॉक की थी ये जीकेएम की है, उस इमेज के मुकाबले ये वाली इमेज काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। इवन आपको जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ भी सकते हो, और इस वाली इमेज में काफ़ी ज़्यादा डार्क होने की वजह से आपको ना कुछ समझ में आ रहा है, आपको काफ़ी कम चीज़ें, काफ़ी कम डिटेल्स देखने को मिल रही हैं इन कंपैरिजन टू जीकेएम। तो जीकेएम मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा 80-20 के रेशियो में 80% ऑफ द टाइम नाइटस्केप मोड जो है जीकेएम का ज़्यादा बेटर काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू स्टॉक कैमरा ऐप। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर आप नाइट में अच्छी फोटोग्राफी करना चाह रहे हो तो आप जीकेएम के लेटेस्ट मोड को पिक कर सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज आपको देगी। दोस्तों कुछ और इमेजेस भी मेरे पास मैंने और क्लिक करी थी, उसको भी आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों फर्स्ट मैं दिखाना चाहूँगा, ये सेल्फी ली थी मैंने पिच डार्क कंडीशंस में, फ्लैश का यूज़ किया है दोस्तों मैंने सेल्फी कैमरा में, और स्क्रीन फ्लैश है ये, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गोरा कर दिया है और सॉफ्ट भी कर दिया है मेरी स्किन को। आप देखते हैं जीकेएम ने कैसे काम करा है। अब दोस्तों आप अपने सामने देख सकते हैं जीकेएम के पास नाइट साइड भी है फ्रंट कैमरा में, साथ ही साथ स्क्रीन इल्यूमिनेशन का मैंने यूज़ करा है, इस वजह से जो नॉर्ड की स्टॉक कैमरा इमेज है और जीकेएम की इमेज है कलर डिफरेंस मेजर है दोस्तों। जो स्किन टोन है काफ़ी ज़्यादा रियल और अच्छी लगती हैं जीकेएम में, और डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा अगर आप पिच डार्क कंडीशंस या रात में इमेजेस क्लिक करना चाहते हैं जहाँ लाइट सोर्स नहीं है तो जीकेएम मॉड का यूज़ करें, आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सामने दोनों इमेजेस में। दोस्तों अब मैं आपको फाइनल इमेज तो नहीं, दो इमेजेस और बची हैं वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों ये है स्टॉक कैमरा की इमेज, ये मैंने क्लिक करी थी, जेंगा गेम है उसकी क्लिक करी थी ये। कलर्स तो शिफ्ट हैं, ब्राइटनेस भी करी है, बट मैं कहना चाहूँगा सरप्राइजिंगली नॉर्ड ने जो स्टॉक कैमरा है काफ़ी अच्छा काम किया है और क्लोज टू रियल इमेज कैप्चर करी है। अब जीकेएम की इमेज की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो जीकेएम ने थोड़े से जो क्यूब्स हैं उसको वाइटन अप कर दिया है, कलर यहाँ थोड़ा ब्लॉच करा है, हालांकि जो सराउंडिंग्स पे ग्रीन कलर है ये नेचुरल मैं कह सकता हूँ, मगर क्यूब्स का कलर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं कैप्चर करा है जीकेएम ने यहाँ पर। अब दोस्तों ये फाइनल इमेज है, ये पिच डार्क कंडीशंस में मैंने अपना जो लेटेस्ट ब्लूटूथ का स्पीकर परचेस करा है फ्लेम्स, इसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी कि कितना अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है ये। ये जीकेएम की इमेज है दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा जो लाइट है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है इसमें, जो येलोइश टोन है वो कम्प्लीटली ब्लॉच अप कर दिया है जीकेएम ने, और इस इमेज में जीकेएम ने फर्स्ट टाइम
हैंड्स डाउन सरेंडर करा है वन प्लस नॉट के स्टॉक कैमरा ऐप को, और इसका लाइव प्रूफ मैं आपको अगली इमेज में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए स्टॉक कैमरा ऐप की इमेज दोस्तों, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक्चुअल इमेज निकल कर आती है स्टॉक कैमरा ऐप से। और डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी मेरे लिए ये इमेज। मुझे लग रहा था जी कैम बहुत अच्छी इमेज कैप्चर करने वाला है, बट नॉर्ड के नाइटस्केप मोड ने कमाल कर दिया है दोस्तों, और इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल निकल कर आती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इमेज सैम्पल्स, आई होप आपको एक क्लियर अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन से सिनेरियोज़ में आपको जी कैम का यूज़ करना है और कौन से सिनेरियोज़ में आपको अपने वन प्लस नॉट के स्टॉक कैमरा ऐप का यूज़ करना है बेहतर इमेज रिजल्ट्स के लिए नाइट में दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ सैम्पल्स जी कैम और स्टॉक कैमरा ऐप के इसी नॉट स्मार्टफोन से। और दोस्तों बताना चाहूँगा एक जनरल पैटर्न हमने देखा इन फोटोज़ में, जो नाइट पिक्चर्स हैं मैंने पिच डार्क में क्लिक करी है, स्पेशली जैसे वो पौधे की इमेजेस आपने देखी होंगी तो पिच डार्क में मैंने क्लिक करी थी, और सरप्राइजिंगली जी कैम जो है उसने काफ़ी क्लोज टू रियलिटी रिजल्ट्स ऑफर करे हैं। हालांकि स्टॉक कैमरा ऐप को मैं कम्प्लीटली बुरा नहीं कहूँगा, यूजबल इमेज है, बट डेफिनेटली जी कैम ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है, जब भी जी कैम पिच डार्क में जाता है तो वो येलो लाइट की तरफ ज़्यादा टेंड होता है इमेज को शूट करते समय, तो आपको हमेशा येलोइश टेंट ज़्यादा दिखेगी जी कैम इमेजेस में। कभी कभी तो ये येलोइश टेंट हेल्प करती है जी कैम के शॉट्स को नेचुरल कलर और ज़्यादा अपीलिंग कलर्स दिखाने में, वहीं कहीं कहीं ये थोड़ा सा अनोइंग भी लगती है। यहीं हम देखें नॉर्ड की इमेजेस को, तो नॉर्ड हमेशा अपनी इमेजेस को ज़्यादा ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है। ये ब्राइटन अप करने की कोशिश जो है और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक जो है कुछ कुछ इमेजेस में हेल्प करता है, जैसे बाहर का नाइट लैम्प शॉट था जिसमें आपको मैंने वॉल पर एक सीनरी दिखाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था नॉर्ड की इमेज का। वहीं जी के एम की इमेज थोड़ी डल लग रही थी। ऐसे कुछ सिनेरियोस में अगर आप फोटोज़ क्लिक करते हैं जहाँ पर आपको ब्लैक शॉट ज़्यादा लेने, ब्लैक कलर ज़्यादा है इमेजेस में, तो डेफिनेटली आपको नॉर्ड की इमेज ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। अब दोस्तों ये तो बात होगी ऑब्जेक्ट्स की, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ह्यूमन सब्जेक्ट्स में मैं बोलना चाहूँगा 80-90% इमेजेस जैसा कि आपने देखा भी होगा जी के एम ने ज़्यादा बेटर क्लिक करी है, चाहे सेल्फीज़ हों चाहे बैक कैमरा की बात हो, जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिली है जी के एम में। वहीं नॉर्ड ने पिक्चर्स ब्राइटन अप कर दी, अगर आपको बूस्टेड कलर्स और ब्राइटन अप इमेज ज़्यादा बेटर लगती हैं, थोड़ी सॉफ्ट इमेज तो भी चलेगी, तो डेफिनेटली आपको नॉर्ड के स्टॉक कैमरा ऐप ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगी। बट मेरे ओपिनियन में अगर थोड़ा नेचुरल, मुझे नेचुरल कलर ज़्यादा पसंद आता है, डिटेल्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर रहता है दोस्तों, तो उस केस में मैं कहना चाहूँगा ह्यूमन सब्जेक्ट्स डेफिनेटली अपना जी कैम जो लेटेस्ट वर्जन है ज़्यादा अच्छा क्लिक कर पा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा फ्रंट में अभी भी हमारा नाइटस्केप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है नॉर्ड के स्टॉक कैमरा ऐप में, वहीं हमें फ्रंट में भी नाइटस्केप का ऑप्शन या मैं कहूँ नाइट मोड का ऑप्शन अवेलेबल है जी कैम में, जो काफ़ी हेल्प करता है, आपने देखा भी होगा मेरी फ्रंट सेल्फीज़ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये जी कैम का नया मोड अगर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि मैं दोस्तों बताना चाहूँगा अलग अलग सीन्स में आपको दोनों ही ऐप्स को यूज़ करके देखना पड़ेगा कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पिक्चर्स क्लिक करें। डेफिनेटली नॉर्ड एक कैपेबल स्मार्टफोन है, थोड़ा स्टॉक कैमरा की जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसको थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग मिल जाए तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तब तक के लिए दोस्तों जी कैम यूज़ करिए और दोनों का यूज़ करके बेहतर इमेजेस लगातार क्लिक करें दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं दोस्तों, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके सपोर्ट से दोस्तों। मिलते हैं अगली कमाल की प्रैक्टिकल और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।